नमो नमः स्टूडेंट्स, आप सभी का संस्कृत विषय की कक्षा 6 में स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रथमा पाठ शब्द परिचय फर्स्ट में पैराग्राफ 1 व 2 की रीडिंग व ट्रांसलेशन किया। आज की कक्षा में हम पैराग्राफ 3 से कंटिन्यू करेंगे, शब्दों का उच्चारण व अनुवाद सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको पैराग्राफ 1 और 2 को रिकॉल करवा देती हूँ, रिपीट कर देंगे, ठीक है। पैराग्राफ 1, एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम् एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सः कः, वह कौन है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किं करोति, दर्जी क्या करता है। किं सः खेलति, क्या वह खेलता है। न सः वस्त्रं सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिलता है। ठीक है बच्चों, क्विकली रिपीटेशन हमने कर दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ 3, पिक्चर को ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ हमें 2 कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, 2 डॉग्स दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं पैराग्राफ पे। हम पहली पंक्ति तीसरे पैराग्राफ की, एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। नेक्स्ट पंक्ति, एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों 2 कुत्ते हैं, या फिर ये 2 कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरजते हैं, गरज रहे हैं क्या, दिखाई दे रहे हैं गरजते हुए। कुत्ते कभी गरजते हैं क्या, नहीं गरजते ना, कुत्ते तो भौंकते हैं हमको पता है। तो अगली पंक्ति है, न का अर्थ होता है नहीं। एतौ, एतौ का अर्थ होता है ये दोनों। उच्चई, उच्चई का मतलब जोर से, लाउडली, बुक्कतः, भौंकते हैं, भौंकते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। तो रिपीट करती हूँ मैं पैराग्राफ को, ध्यान से सुनिए। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों 2 कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं ये दोनों ऊंची आवाज में जो यानी कि जोर से भौंकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ है फोर्थ पैराग्राफ में देखिए बच्चों, हमें एक फार्मर, किसान दिखाई दे रहा है जो खेत में हल चला रहा है। 2 बैल भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं। तौ कौ, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, और कौ यानी कौन, 2 के लिए आया है। 1 के लिए पूछेंगे कौन के लिए तो आएगा कह, और 2 के लिए आ गया कौ, ठीक है। नेक्स्ट पंक्ति, तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों 2 बैल हैं। अगली पंक्ति, किम तौ धावतः, क्या ये दौड़ते हैं, दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको, नहीं दौड़ रहे हैं ना ये। अगली पंक्ति, न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों तो खेत को कर्षतः यानी जोतना होता है, तो नहीं वे दोनों खेत को जोतते हैं, जोत रहे हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज नंबर 2, अगला पैराग्राफ है, पिक्चर को देखिए बच्चों। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें इसमें बैग्स दिखाई दे रहे हैं और
बैग्स को संस्कृत में क्या कहते हैं, मीनिंग्स में हमने सीखा था बैग्स को संस्कृत में स्यूताहा कहते हैं, ठीक है। तो और जो बैग्स हैं वो कौन से कलर के दिखाई दे रहे हैं, ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं ना, तो ब्लू कलर को संस्कृत में क्या बोलेंगे, नीलवर्णाहा, ठीक है। तो हम इसका ट्रांसलेशन समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। एते के, ये सब क्या है, एते का अर्थ हुआ ये सब, बहुवचन के शब्द हो गया ये एते, क्योंकि आप देखिए बैग्स कितने हैं, फोर हैं, एक वचन में एक, द्विवचन में दो और बहुवचन में दो से ज़्यादा, ठीक है। तो एते के लिए हुआ, एते का अर्थ हुआ ये सब, एते के ये सब क्या है, एते सुताहा संति, किम एते हरितवर्णाः, नहीं एते नीलवर्णाः संति। उच्चारण भी अच्छे से सीखें, फिर हम अनुवाद करते हैं इसका, एते के ये सब क्या है, नेक्स्ट पंक्ति एते स्यूताः संति, ये सब थैले हैं, बैग्स हैं। तीसरी पंक्ति पैराग्राफ की, किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं, हरित का अर्थ होता है हरा, ग्रीन, और वर्ण यानी रंग, कलर, ठीक है। तो पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति है, नहीं एते नीलवर्णाः संति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ, पहले पिक्चर को देखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। पिक्चर में हमें कौन दिखाई दे रहा है, लोग दिखाई दे रहे हैं, पीपल दिखाई दे रहे हैं, और कैसे लोग दिखाई दे रहे हैं, बूढ़े लोग दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद बाल, और इनको देखने से हमें लग रहा है कि ये बूढ़े लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में ओल्ड पीपल के बारे में चर्चा है। पैराग्राफ की पहली पंक्ति है, ते के वे सब कौन हैं। अगली पंक्ति, ते वृद्धाः संति, वे सब बूढ़े लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गाते हैं, गाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको सिंगिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर को देखिए ध्यान से, नहीं दिख रहे हैं ना, मुझे तो स्माइली फेस लग रहे हैं इनके, हंस रहे हैं ऐसा लग रहा है, देखिए पिक्चर को, ठीक है। तो प्रश्न हमारा तीसरी पंक्ति में, किम ते गायन्ति, क्या ये सब गाते हैं, नहीं ते हंसन्ति, नहीं वे तो हंसते हैं, हंस रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हमने चैप्टर फर्स्ट का हिंदी ट्रांसलेशन सीख लिया है, मीनिंग्स भी मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिए थे, ठीक है। अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं, पेज नंबर 3 पर। जो अभ्यास प्रश्न का जो पहला प्रश्न है बच्चों, क उच्चारणम कुरुत, ठीक है। तो जो उच्चारणम कुरुत है, ये प्रश्न है आपका, ओरल क्वेश्चन है, आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको इन शब्दों को उच्चारण करके दिखाऊंगी, शुद्धता से आपको इनका उच्चारण सीखना है, ठीक है बच्चों। ये आपको प्रश्न आपको कॉपी में, नोटबुक में, संस्कृत की नोटबुक में नहीं करना है, ये सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको उच्चारण करके इन शब्दों को शुद्ध उच्चारण में बोलना सीखना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके इन शब्दों का उच्चारण करती हूँ, आप लोग अच्छे से सुने और फिर प्रैक्टिस करें। पहला शब्द है छात्र, जो त्र है उसके पश्चात बच्चों दो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इन डॉट्स को संस्कृत में विसर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण ह से किया जाता है, आप लोग अच्छे से सुने। देखो मैंने सिर्फ त्र तक नहीं बोला है, मैंने छात्र बोला है ना, है की साउंड आ रही है पीछे। यदि मैं इन डॉट्स का उच्चारण नहीं करती हूँ तो शब्द बनता है छात्र, और जब
दो डॉट्स लगे हैं यानी कि विसर्ग लगा है, तो हमें इसका उच्चारण भी करना है। छात्रः, ठीक है बच्चों, जहाँ जहाँ पर दो डॉट्स यानी कि विसर्ग लगे हैं हमें उसका है के उच्चारण के साथ में इसको शब्द को पूरा उच्चारित करना है। छात्र के पश्चात पहली पंक्ति में है बच्चों शिक्षकः, नेक्स्ट है मयूरः, मयूरः किसको कहते हैं, मोर को कहते हैं। नेक्स्ट है शुकः, शुकः का अर्थ होता है तोता। मैं आपको इसका हिंदी वर्ड भी एक्स्ट्रा में बता रही हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोग सीखें, ठीक है। शुकः के पश्चात है बच्चों बालकः है, जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, लड़का होता है एक तो बालकः है। नेक्स्ट है सेकंड रो हमारी, उसमें पहला शब्द है गजः, गजः का अर्थ होता है हाथी। फिर है मकरः, मकरः किसको कहते हैं, मगरमच्छ को। नेक्स्ट है बिड़ालः है, बिड़ालः किसको कहते हैं, जो बिल्ला होता है ना उसको कहते हैं। नेक्स्ट है मूषकः है, मूषकः किसको कहते हैं, चूहे को कहते हैं। नेक्स्ट है चालकः, चालकः किसको कहते हैं, ड्राइवर जो होता है ना उसको कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड रो, पहला शब्द गटः, गटः का अर्थ होता है बच्चों घड़ा। नेक्स्ट है दीपकः है, दीपकः है, दीपक तो आप सभी जानते हैं, दिया जलाते हैं ना हम सुबह शाम भगवान जी के मंदिर में, तो दिया का अर्थ दिया किसे कहेंगे, दीपक को दीपकः कहेंगे उसे संस्कृत में। नेक्स्ट है अश्वः, अश्वः यानी घोड़ा। चंद्रः चांद को कहते हैं। नेक्स्ट है गायकः, गायकः यानी कि जो सिंगर होता है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, गायकः, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हमने उच्चारित करना सीख लिया है, ओरल क्वेश्चन है ये आपको नोटबुक में नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ख, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, इसमें पिक्चर्स दी हुई है, इस पिक्चर को देख के हमें पता लग रहा है कि किसका पिक्चर है, चित्र किसका दिया गया है, और पिक्चर के जस्ट निचले भाग में लिखा है उसका संस्कृत शब्द, तो पिक्चर देखने पे हम उसका हिंदी शब्द जान जाएंगे, और नीचे जो शब्द लिखा है वो उससे संस्कृत में क्या कहते हैं ये भी जान जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं हम। पहला पिक्चर है एक हमें फार्मर का, किसान का दिखाई दे रहा है, तो किसान को संस्कृत में क्या कहते हैं, कृषक है। फिर नेक्स्ट हमें एक मेंढक दिखाई दे रहा है, फ्रॉग, उसे भी बोलते हैं मंडूक है। फिर हमें एक टेलीफोन दिखाई दे रहा है, उसे बोलते हैं संस्कृत में दूरभाष है। नेक्स्ट है सेकंड रो में हमें एक बैल दिखाई दे रहा है, उसे बोलते हैं वृषभ है। बैल को बलिवर्द है भी बोलते हैं और वृषभ भी बोलते हैं, ठीक है, पर्यायवाची की तरह से है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमें एक कबूतर का पिक्चर दिखाई दे रहा है, कबूतर को संस्कृत में बोलते हैं कपोता है। इसके पश्चात नेक्स्ट है हमें एक कौवे का चित्र दिखाई दे रहा है, उसे संस्कृत में बोलते हैं काक है। नेक्स्ट थर्ड रो में हमें एक भालू का चित्र दिखाई दे रहा है, भालू को संस्कृत में बोलते हैं भल्लूक है। इसके बाद नेक्स्ट है एक हमें बेड दिखाई दे रहा है, पलंग, तो बेड को संस्कृत में क्या कहते हैं, पर्यंकः। इसको उच्चारण करना सीखिए, शब्द देखने में बड़ा टिपिकल लग रहा है, इसका उच्चारण बनेगा पर्यंकः, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट अंतिम पिक्चर जो है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हमें टेलर का दिखाई दे रहा है चित्र, और टेलर को बोलते हैं सौचिका है, जो हमने चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने चैप्टर 1 का हिंदी ट्रांसलेशन सीखा, और अभ्यास प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 का क और ख दोनों को समझा। क्वेश्चन नंबर 1 का क और ख दोनों प्रश्न ओरल क्वेश्चन है बच्चों,
आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, आपको इनको कॉपी में जो संस्कृत की नोटबुक है उसमें आपको इन्हें नहीं उतारना है, आपको इन्हें उच्चारित करना सीखना है, संस्कृत में इनको क्या कहते हैं इनको जानना है, उनको याद करना है। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में इतना ही, शेष प्रश्नों का अभ्यास प्रश्न उत्तर सहित हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए शुभम मंगलम।